वेलकम माय फ्रेंड्स टू माय श्री सुपर गार्डन। आज बहुत ही सुहाना मौसम है और आज मुझे समय मिला है अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए ये खूबसूरत पौधा। तो आज का जो टॉपिक है, ये खूबसूरत पौधा जो देख रहे हैं ये अंथूरियम का पौधा है और ये जो मैंने नर्सरी से लाया है और आप इसका स्टेटस देख सकते हैं नर्सरी में किस तरह से इसका जो है पॉटिंग मिक्स बना के रखा है। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे इसका पॉटिंग मिक्स बनाएं ताकि ये जो है ये पौधा जो एंथूरियम का जो पौधा है गर्मियों में भी ठीक से चले। क्योंकि अभी जो मैं आज वीडियो जब बना रहा हूँ, अभी स्प्रिंग का सीज़न है, मार्च का पहला सप्ताह है और गर्मी का मौसम आने वाला है, तो इसको कंसीडर करते हुए मैं इसका जो है आपको पॉटिंग मिक्स बनाना दिखाता हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन दबाना, और यदि इस पौधे को उगाने में आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में भी डालिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खा सकता हूँ तो ये जो है आप देख सकते हैं ये कोकोपीट है। तो कोकोपीट कितना लेना है, तो कोकोपीट जो है हम ले लेंगे करीब आप 30% कोकोपीट ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने कोकोपीट डाला। कोकोपीट डालने के बाद में ये जो है ये राइस हस्क है। ये राइस हस्क इसलिए डाला जाता है कि प्रॉपर ड्रेनेज हो और ये वाटर भी होल्ड करता है। जिस तरह से ये कोकोपीट जो है पानी को होल्ड करता है, उसी तरह से ये सॉयल के ड्रेनेज को बढ़ाता है और ये पानी भी होल्ड करता है। तो मैं जो है 10% जो है हस्क डाल दूँगा, ये डाल दिया। फिर ये जो है ये कोकोनट फ्लेक्स है। ये जो है थोड़ा बड़े बड़े साइज में आता है और ये भी इसको डाल देंगे करीब 20% 30% इसको डाल सकते हैं, डाल देंगे। और ये रहा, ये सॉयलेस मीडिया है, इसमें सॉयल का उपयोग नहीं होगा। तो ये देखिए ये जो कोकोनट फ्लेक्स है, ये बड़े बड़े जो कोकोनट के जो फ्लेक्स हैं ये जो है पानी को होल्ड भी करता है और एरेशन को बढ़ाता है और रूट्स के ग्रोथ में मदद करता है। तो ये मैं डाल दिया। अब ये देखिए ये है परलाइट। ये परलाइट भी जो है ये मिट्टी के मिक्सचर को हाईली ड्रेनेज बनाता है। इसका पानी का होल्डिंग वाला कैपेसिटी होता है और ये पानी जो है होल्ड करके देर तक रखता है। तो ये देखिए अब यहाँ, हाँ ये मैंने मिला दिया, ये करीब 10% इसको मिलाएंगे और इस तरह से मिलाने के बाद में थोड़ा सा बालू रेत जो है, ये जो बालू है थोड़ा सा डाल देंगे, प्रॉपर ज़्यादा नहीं, समझिए 5% इसको डालेंगे। ये डाल दिया मैंने और थोड़ा सा जो है ये खल्ली जो है, इसमें नीम का खल्ली और रेड़ी का खल्ली मिला हुआ है, ये डाल देंगे इसके न्यूट्रिशन के लिए। तो ये जो है पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये एंथूरियम का पौधा है और ये जो है कोकोपीट में लगा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा कोकोपीट और थोड़ा सा इसमें परलाइट डाला हुआ है। तो ये देखिए मैं इसको निकाला, ये देखिए इसका जड़ का जो स्टेटस है, ये देखिए ये जड़ निकल रहा है। ये देखिए चूंकि इसका अभी ग्रोइंग पीरियड आ गया है, जाड़े के समय में क्या होता है कि ये पौधे डोरमेंट होते हैं और स्प्रिंग के सीज़न के बाद अब धीरे धीरे हम लोग गर्मियों के फेज़ में जा रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो है आप देख रहे हैं कोकोपीट है, इसमें बहुत सा मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, ये सूखता जल्दी नहीं है। तो अभी ड्राई सीज़न आने वाला है
तो ये जो हमने जो पॉटिंग मिक्स बनाया है, ये इस तरह का पॉटिंग मिक्स आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा ये रूट का ग्रोथ होगा। रूट का ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही फूल देगा। तो ये देखिए, मैं इसका जो है इसको निकाल देता हूँ। आप देख सकते हैं कि रूट का ग्रोथ जो है कोकोपीट में भी ग्रो कर रहा है, मगर इससे और भी बढ़िया मीडियम मैं इसको उसमें डाल रहा हूँ। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा रहने दूंगा ताकि जो है प्लांट शॉक में नहीं आए। तो ये जो है इस पॉट में मैं डालूँगा, ये जो पॉट है, और मैं दिखाऊँगा कि कैसे इसको डालेंगे। तो इस तरह से जो है पॉटिंग मिक्स बना हुआ है, और इस तरह से तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये तैयार हो गया है, ये सही पॉटिंग मिक्सचर में। और ये बहुत ही हल्का भी है, इसमें एकदम सॉइल नहीं है, इसमें ये सॉइलेस मीडिया है पॉटिंग मिक्स। और तब इसमें मैं पानी डाल दूंगा, इसमें पानी जो है ऊपर से जो डालने के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं पानी डालूँगा। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगा, देखिए देखिए मैं पानी डाला, और ये देख सकते हैं कि ये पानी जो है तुरंत जो है पॉट में से निकल जा रहा है। देखिए ये कैसे तुरंत जल्दी से निकल गया। अब ये जो पॉटिंग मिक्स है, ये वाटर होल्डिंग पॉटिंग मिक्स है, जो कि वाटर को होल्ड करके रखेगा, रूट्स के ग्रोथ को मदद करेगा, रूट्स के एरेशन में मदद करेगा। कोकोनट फ्लेक्स जो डाला है, डाल रखा है मैंने, और इसमें कोकोपीट जो डाला है वो तो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेगा, और फिर ये परलाइट है ये भी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेगा। तो ये जो है ये पॉटिंग मिक्स, ये सही पॉटिंग मिक्स है। और गर्मियों के समय में जब गर्मी आएगा, जब टेम्परेचर करीब 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आ जाएगा, तो ये पौधा जो है, अभी मैं इसको, अभी स्प्रिंग का समय है, इसको एक दो घंटा धूप में रखता हूँ और फिर ये शेड में आ जाता है। मगर ये गर्मियों के समय में जो है ये फिल्टर्ड सनलाइट में इसको मैं रखूँगा। तो ये तो रहा ये सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। अब मैं आपके इसके पॉटिंग पॉट के साइज़ के बारे में बता रहा हूँ कि इसको जो है बहुत बड़ा पॉट का साइज़ नहीं है। मैंने आपको दिखाया था कि पहले ये जो नर्सरी में जो मैं इसे लाया था, ये छोटे पॉट में था, और ये देख सकते हैं कि ये कैसे फिट हो रहा है। ये जस्ट उससे बड़ा वाला पॉट में मैंने डाल रखा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, मगर जो जो पहले से नर्सरी से जो मिला पॉट है उससे ये बड़ा पॉट में मैंने लगाया है, और इस तरह से पॉटिंग सॉइल बनाया है। तो पानी इसमें कैसा देना है, आप देख सकते हैं पानी जो है ये तुरंत ही पानी इसमें ड्रेन आउट हो गया। तो ये जो है मॉइस्चर को मेंटेन करेगा, और 40 डिग्री ये और हाई टेम्परेचर में जो है इसका जो है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बना हुआ रहेगा, और इस तरह से खूब बढ़िया चलेगा। तो यदि मित्रों, और गर्मी में इसको जो है शेड में डाल दूंगा, फिल्टर्ड सनलाइट की जहाँ पर फिल्टर्ड सनलाइट रहता है वहाँ पर इसको मैं डाल दूंगा। तो ये थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। और इस पौधे को ग्रो करने में यदि आपको कोई परेशानी आती है तो अपने परेशानी अपने प्रॉब्लम्स को मेरे कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर डालिएगा, और मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, कनेक्ट टू नेचर, कनेक्ट टू गॉड, थैंक यू।